हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। हरे मटर से बना हुआ पुलाव या फिर सब्ज़ी तो हम हमेशा ही खाते हैं, तो आज इस हरे मटर से हम बनाते हैं कुछ अलग और यूनिक। तो आज हम बनाएंगे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसे हमने बनाया है बहुत ही कम ऑयल में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से बना लेते हैं हरे मटर से बने हुए अप्पे। आज हम ये एक हेल्दी अप्पे बना रहे हैं जिसे मैं बनाऊंगी सूजी में। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है 1 कप। इसके अलावा ये लिया है मैंने चावल का आटा 2 टेबलस्पून और 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने दही। सबसे पहले ये जो चावल का आटा जो है इसे हम इस सूजी में डाल देते हैं और इसे एक चम्मच से कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही और इस दही को भी हम इस सूजी में अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। हमें इस सूजी को इस दही में ही सोक कर लेना है। ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका एक हम बैटर बनाएंगे। बैटर जो बनाना है हमें, ये ज़्यादा हमें फ्लोई नहीं बनाना है, हल्का सा हमें ये थीक ही कंसिस्टेंसी का बनाना है। विस से इसे अच्छे से फेंटते हुए हम ये बैटर बना लेते हैं। विस से फेंटने से इस बैटर में एयर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है जिससे हमारे अप्पे जो है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। इसमें और थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी का इस्तेमाल किया है और इसे एक बार फिर से अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये बैटर होना चाहिए। अब इस बैटर को हम ढक करके एक 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें की सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम मटर की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मिक्सी के जार में मैंने 1 कप इतना लिया है मटर जिसे मैंने ऑलरेडी 5 मिनट के लिए बॉईल करके लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून इतना ज़ीरा और 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वान्टिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसे हम दरदरा सा पीस लेते हैं। ये देखिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते हुए मैंने इसे इस तरह से दरदरा सा पीस लिया था, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है हमें इसे। और ये जो हमने सूजी 15 मिनट पहले जो ऑलरेडी भिगाने के लिए रखी थी वो भी अच्छे से भीग चुकी है। आप देख सकते हो ये बैटर की कंसिस्टेंसी ये पहले से थोड़ी और ठीक हो चुकी है, यानी कि सूजी अच्छे से भीग चुकी है हमारी। अब हमने जो मटर पीस लिया था वो सारा इसमें डाल देते हैं और इसे एक बार कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हो बैटर को कितना अच्छा हल्का सा ग्रीन कलर आ चुका है। और अब इसमें हम शामिल कर देते हैं एक बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही में इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को एक बार कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। आप इसमें और कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। और अब इस बैटर में डालते हैं 1/2 टीस्पून इतना खाने का सोडा और इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर डालते हैं 1 टीस्पून इतना नींबू का जूस और इसे कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स। और अब इसमें डालेंगे हम जायके के हिसाब से नमक और इसे भी कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स। तो ये अप्पे का बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलो अब अप्पे बना लेंगे। गैस पे मैंने अप्पे पैन रखा है। पैन के अच्छे से गर्म होने पर इसे मैं हल्का सा ऑयल जो है वो ब्रश कर लेती हूँ। और अब इस अप्पे पैन में हम एक एक करके ये जो बैटर है वो डाल देते हैं। बैटर हमें अच्छा सा भर कर डालना है ताकि ये अच्छे से फूल कर आ जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे इसमें बैटर डाल लिया है। और अब इस अप्पे पैन को कवर कर लेते हैं इसके लिड से और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। 1-2 मिनट के बाद ये देखिए अप्पे अच्छे से फूल चुके हैं। इसे कर लेते हैं हम फ्लिप। एक चम्मच की हेल्प से मैं ये जो अप्पे हैं इसे पलट कर लेती हूँ। सारे अप्पे इसी तरह से हम पलट लेते हैं और इसे फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी अच्छे से सेकने देते हैं। आप चाहिए तो दूसरी साइड से हल्का सा ऑयल भी ब्रश कर सकते हो, लेकिन हम ये हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें हमने बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है। और आप फिर से इसे करते हैं इसके लिड से कवर और दूसरी साइड से भी इस अप्पे को 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। आप देख सकते हो 2 मिनट के बाद ये अप्पे दूसरी साइड से भी एकदम से अच्छे से पक चुके हैं। तो रेडी हो चुके हैं ये हमारे हरे मटर से बने हुए अप्पे सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये एक इंस्टेंट और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।